सरकारी स्कूलों च पढ़ते बच्चों नैतिकता का पाठ पढ़ाने और विद्यक खेत्र उत्साहित करने लिए यत्नशील संस्था राम मुहम्मद सिंह आजाद सोसायटी ने कोटकपुरा तो करीब 9 किलोमीटर दूर पिंड पंजग्राई कलां सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल और 4 होर स्कूलों के 12वीं जमात के पहला दूजा ते तीजा स्थान लैण वाले बच्चों का विशेष सम्मान किया। पंजग्राई कलां के 2 स्कूलों समेत पिंड जीवनवाला ते समालसर दे स्कूलों के होशियार विद्यार्थियों ने आपो अपने स्कूल के प्रिंसीपल इंचार्ज समेत कुछ 94 स्टाफ नाल शमूलियत की। सोसायटी के जनरल सकत्तर मास्टर कुलवंत सिंह चानी, वित्त सकत्तर मास्टर एस एस सुनामी, इकबाल सिंह मंगेड़ा और मुख्तियार सिंह मत्ता ने सोसायटी के सेवा कार्यों बारे संखेप चानना भी पाया। कोटकपुरा तो गुरमीत सिंह मित्ता की रिपोर्ट। सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल जीवनवाला दे प्लस टू दे पहला दूजा तीजा स्थान लैन वाले बच्चों को बेटे की नाम है तुहाडा? दलजीत कौर। बेटे की बनना चाहते हो? मैं एक चंगा इंसान चंगा नागरिक बनना चाहनी हूं ते मैं अपने देश लिए काबिल जज बनना चाहनी हूं। काबिल जज, वेरी गुड। हां जी पुत्र जी। मेरा नाम नवजोत कौर है। मैं सब तो पहला एक चंगा इंसान बनना चाहनी हूं ते मैं इंग्लिश लेक्चरर बनना चाहनी हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। हां जी पुत्र जी। मेरा नाम हरजोत कौर है। मैं सब तो पहला एक वधिया नागरिक बनना चाहनी हूं ते फिर उस तो बाद टीचर बनना चाहनी हूं। टीचर, वेरी गुड। हुण साडे नाल ना इस स्कूल दे इंचार्ज दे तौर ते आए ने मैडम मनप्रीत कौर जी, उन्हां दे नाल मैडम दर्शना जी भी आए ने। आपां मैडम मनप्रीत कौर जी कोल चलदे हां। हाँ जी मैडम जी, की कहना चाहुंदे हो? मेरा नाम मनप्रीत कौर, इंग्लिश लैक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल जीवनवाला। मैं यही कहना चाहनी हूँ कि मेरे स्कूल के जिहड़े बच्चे हैगे आ बहुत ही ज़्यादा वधिया, इन्हां ने नंबर ले हैगे आ। इस चीज़ का सारा सेरा स्कूल के प्रिंसीपल सरदार मनप्रीत सिंह अते स्कूल के स्टाफ नूं जांदा हैगा। सारे ही बच्चे जिहड़े हैगे आ बहुत चंगे मार्क्स लैके पास होए आ। किसी भी बच्चे के फस्ट डिवीज़न तो घट नंबर नहीं है, सब दे 60% तो अबव नंबर है। तो 5 बच्चे जिहड़े हैगे आ 90% तो अबव नंबर लैके पास होए है। थैंक यू। हाँ जी, पिंड औलख दे सरपंच ऊधम सिंह जी। हाँ जी ऊधम सिंह, सत श्रीकाल जी। असं सो जीवन वाले स्टाफ का अरे विद्यार्थियों का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जोड़े बच्चे के टीचर इन्होंने मेहनत करके बच्चों ने बहुत वाली मल्ला मारियाँ, महाराज दिन दुगनी तरक्की पा छेद। सेवा मुक्त मुख्य अध्यापक मुख्तियार सिंह मत्ता जी, उन्होंने को चलते हैं जोड़े राम मुहम्मद सिंह आजाद वैलफेयर सोसायटी के सरगर्म आगू ने। मैं राम मुहम्मद सिंह आजाद वैलफेयर सोसायटी का बहुत ज़्यादा धन्यवादी हाँ कि जिन्हां ने कि इन्हां दे जिहड़े तिन्ने संस्थापित हैगे आ मास्टर अशोक कौशल जी, चानी जी ते अपने अरोड़ा जी, ये तिन्ना ने एक बहुत ही वधिया शुरू किया है कि सरकारी स्कूल दे विच्चों जो बच्चे फस्ट सैकंड थर्ड आउंदे है उन्हां नूं सन्मानित करन दा, ताकि उन्हां नूं हौसला मिलदा है वो अगे जिंदगी दे विच होर तरक्की करन, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों विच तां ओह स्कूलों वाले कर दिंदे आ। सरकारी स्कूलों के थोड़ा जिहा है, कुछ सियाने जिहड़े प्रिंसीपल हैगे बहुत सोहना वो उन्हां नूं हौसला अफजाई करदे आ। तो ये राम मुहम्मद सिंह आजाद वैलफेयर सोसायटी वालों बहुत वधिया शुरुआत की गई है। मैं इन्हां दा समर्थन करदा ते नाल आशा करदा कि इन्हां ये बच्चे जिन्ने सन्मानित होए है जिंदगी दे विच होर वधन फुलन ते तरक्कियां करन। राम मुहम्मद सिंह आजाद वैलफेयर सोसायटी का दावा है कि जिहड़े सरकारी स्कूलों के नतीजे बहुत वधिया आ रहे हैं, ये सोसायटी वालों किए गए प्रोग्रामा का भी बड़ा वड्डा योगदान है। जिहड़ा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी विद्यार्थियों की लखां की तादाद च वाधा हो रहा है, वो भी सोसायटी का बहुत वड्डा योगदान है। कोटकपुरा तो गुरिंदर सिंह। तो पहला तो एक चंगे नागरिक बनना चाहते हाँ जी। असं डॉक्टर बनना चाहते हाँ। हाँ, वेरी गुड। पुत्र की नाम है जी? नवदीप कौर। नवदीप कौर, की बनना चाहते हो? सब तो पहला तो असं चंगे नागरिक बनांगे, फिर मैं टीचर बनना चाहते हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी पुत्र जी। मेरा नाम दलप्रीत चौहान है। सब तो पहला तो मैं चंगी नागरिक बनना चाहती हाँ, तो फिर मैं इंजीनियर तक कोर्स करना चाहती हाँ। हिंदू बन, सिख बन, चाहे मुसलमान बन, पर इंसान बन, इंसान बन, इंसान बन। इन्हां बच्चों की सोच इन्हों मुबारक जरूर तरक्की करेंगे। इन्होंने जिहड़ा कि पहला चंगे नागरिक बनना चाहते हैं। राम मुहम्मद सिंह आजाद वैलफेयर सोसायटी के संस्थापक ते जन सकत्तर कुलवंत सिंह चानी जी साढ़े नाल ने, आपां उन्हां कोल चलदे हैं। चानी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। राम मुहम्मद सिंह आजाद वैलफेयर सोसायटी जो कि पिछले 3 साल तो लगातार जिहड़ा ये काम निभा रही आ, सरकारी स्कूलों के बच्चों सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी बच्चों के अंदर कुछ हीन भावना तो इन्हों एक चंगे नागरिक बनाने के लिए असी उपराला आरंभ किया, जिदे काफ़ी असी कामयाब होए हैं और बहुत सारे बच्चे जोड़े है इस जो है एक चंगा
नागरिक बनने वास्ते अपनी कोशिश कर रहे हैं और सानू कई जगह तो मैसेज भी आए हैं कि साढ़े बच्चे जिहड़े हैगे आ पहलां नालों काफ़ी अवेयर है इन्हां गल्लां बारे। तां इह जिहड़ा है राम मोहम्मद सिंह आजाद वैलफेयर सोसाइटी ने अज 181वां स्कूल जिहड़ा है वह किया है, तो इस तों अगे जिहड़े हैगे आ वह इस तरह कम चलता रहेगा। COVID-19 दे दौरान जो है सानू इकट्ठ नहीं करना, तो इसलिए असी जिहड़ा हैगा थोड़े थोड़े बच्चे जिहड़े फस्ट सैकेंड थर्ड आउंदे आ सिर्फ उन्होंने ही बुला के या उन्होंने पेरेंट्स स्कूल के प्रिंसीपल यही मतलब कि असी बुलाने ताकि जो है किसी तरह की उलंघना ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्कूल के मैडम संगीता जी ने उगे साहित्यकार आप उन्होंने को चलते हैं। हाँ जी मैडम। हाँ जी हाँ जी सत श्री अकाल जी। मैं बहुत ही धन्यवादी हाँ इस संस्था की जिन्होंने साढ़े बच्चों मोटिवेशन दे के एक चंगे नागरिक तो एक उगे समाज सेवी बनन वास्ते भी जो प्रेरणा दिती है। मैं उम्मीद करती हाँ कि ये साड़ियाँ होनहार विद्यार्थना अपने जीवन में सफलता दिया सारिया पलांगा नू चुमदिया होया उन्होंने एक आपदा पेरेंट्स का ते संस्था का ते पूरे जिले का पंजाब दे विच नाम रोशन करना नाम रोशन करनी है। इस स्कूल के प्रिंसीपल ने दीपक सिंह जी। मैं राम मोहम्मद सिंह आजाद वेलफेयर सोसायटी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने सरकारी स्कूलों के बच्चों सन्मानित करन दा फैसला किया है। बहुत सोहना उपराला इन्हों का है। इतने इन बच्चों सन्मानित करद हो मैं ते मेरा समुचा स्टाफ खुद भी सन्मानित महसूस करते हैं। तो मैं अपने वालों एक बार फिर इन सारे आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करता है। तो इन्हों बधाई दिना कि इन्होंने बहुत सोहना उपराला जिहड़ा कीता है। तो परमात्मा करे ये आने साल भी इस तरह बच्चों के सिर पर अपना मेहर भर हाथ रख दें। इस इलाके के समाज सेवी तो बावरिया संगठन के संस्थापक ने जसपाल सिंह पंजग्राई। सो अज तो जो राम मोहम्मद वेलफेयर वालों जो सरकारी स्कूल के बच्चों सन्मानित किया जा रहा मैं उन्होंने पहला धन्यवाद करदा। इन बच्चों अपने वालों आशीर्वाद दिना कि इन्हों दिन दुगुनी रात चौगुनी इन्हों तरक्की जी बख्शे। मैं सारे ही आम पब्लिक लोगों को यह अपील करता है कि जिस तरह मेरिया बेटिया भी अज इस स्कूल पढ़दियाँ तो उन्होंने 95% 96% लेके अज स्कूल का नाम रोशन किया साडा नाम रोशन किया। मैं सारे ही लोगों को यह अपील करदा कि इत्थे सरकारी स्कूलों जिते चंगे प्रिंसीपल चंगे स्टाफ उन्होंने अज जड़ा रिजल्ट है जड़ा उन्होंने मिलया तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ समूह स्टाफ का जिन्होंने चंगी पढ़ाई करवाई। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम मोहम्मद सिंह आजाद वेलफेयर सोसायटी वालों जिहड़े जिहड़े बच्चे अज सन्मानित किए जाने ने उन्हां सारयां दे चंगेरे भविख दियां सदा तंदुरुस्ती दियां शुभकामनावां ते वाहिगुरु दे चरणां च अरदास। कोटपुरा तों गुरिंदर सिंह। हुण असीं पहुंचे हैं जी सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बॉयज़ पंजग्राई कलां दा स्मार्ट स्कूल बन चुका है। उत्थों दे जिहड़े होनहार बच्चे ने प्लस टू चो पहला दूजा तीजा स्थान लैण वाले बेटे की नाम है तुहाडा? हरमनदीप सिंह जी। हरमनदीप सिंह की बनना चाहुंदे हो? सब तो पहले तो मैं एक चंगा इंसान बनना चाहुंदा गा जी। फिर मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर बनना चाहुंदा गा जी। ईमानदार पुलिस अफसर, वेरी गुड। मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है जी। मैं आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहता हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी बेटे। मेरा नाम किरजोत सिंह है जी। तो मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता जी। सिविल इंजीनियर इंजीनियर। देखो इन्होंने बच्चों ये जरूर दसने चाहेंगे कि चंगे नागरिक बनना जरूरी है। जिमें बेटे ने दसा कि पहला मैं चंगा नागरिक बनूँ उस तो बाद कोई अफसर बनूंगा। राम मोहम्मद सिंह आजाद वेलफेयर सोसायटी के वित्त सकत्र ने संस्थापक ने मास्टर एस एस सुनामी जी। हाँ जी मास्टर जी। असी जुलाई 17 तो लैके 31 मार्च 20 तक 165 स्कूलों के बच्चों सन्मानित कर चुके हैं। तो इस सैशन च असी इन्हां समेत 19 स्कूलों के बच्चों सन्मानित कर रहे हैं सिर्फ प्लस टू के बच्चों। तो इन्हां बच्चों असी शुभकामनावां देंदे हैं सोसायटी वालों तरक्कियां करन। इंचार्ज मैडम पहुँचे ने परमिंदर कौर जी। हाँ जी मैडम जी। सब तो पहला तो सारे सत श्री अकाल। बहुत ही रिनी हाँ जिन्हों ने स्कूल के वक् वक् स्कूलों के विद्यार्थियों अगे वधन ली पिट थापी जिन्हों ने ते हमेशा बच्चे भी चढ़दिया कलावां दे विच ही जाणगे। इस तरह मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। हाँ जी धन्यवाद। सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल समालसर ये भी स्मार्ट स्कूल है। इतों के जेडे प्लस टू के पहला दूजा तीजा स्थान लैन वाले बच्चे ने बेटे की नाम है तुहाडा? ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰ। ਬੇਟੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
देश लई एक चंगी नागरिक बनना चाहते हैं। अपने अध्यापका की तरह मैं भी एक चंगी लैक्चरर ही बनना चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी पुत्र जी। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है ते मैं अपने देश लई कुछ करना चाहनी हाँ। मैं एक चंगी इंसान ते चंगी नागरिक बनना चाहनी हाँ ते फिर मैं एक टीचर बनना चाहनी हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी पुत्र जी। मेरा नाम किरणदीप कौर है। मैं अपने देश विच एक चंगा नागरिक बन के रहना चाहनी हाँ। मैं अपने देश के लोगों न्याय दवाउण लई एक वकील बनना चाहनी हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। साढ़े नाल इत्थे जिहड़े इन्हां दे इंचार्ज के तौर पर आए हैं मैडम परमिंदर कौर जी, आपां उन्हां कोल चलदे हैं। हाँ सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल परमिंदर कौर लैक्चरर पोलीटिकल साइंस। मेरे नाले बच्चे आए हैं। साढ़े स्कूल का रिजल्ट हर वार ही वधिया आउंदा पर इस बार बाकी सालों नालों बहुत वधिया रहा। साढ़े स्कूल के तीन बच्चे जिहड़े आ तुहाडे कोले मौजूद है, लगभग इन्हां दे 97, 96 ते 95% मार्क्स है। 19 बच्चे आ साढ़े जिहड़े वाह 90% नंबर लैके पास होए है। 29 बच्चे आ साढ़े जिहड़े 80 to 90% तक उन्होंने मार्क्स हासिल किए है। सिर्फ 9 बच्चे जिहड़े साढ़े आ वो 60 to 70% नंबर लैके साढ़े स्कूल का नतीजा 100% रहा। यह सब का सेहरा साढ़े स्कूल के प्रिंसीपल श्री विकास अरोड़ा जी और समुचा स्टाफ इस काम दे लई वधाई दा पात्र है। वधाई दा पात्र है। साढ़े नाल जुड़े ने पिंड औलख दे सरपंच आरती एसोसीएशन दे जिला प्रधान ते उगे समाज सेवी ऊधम सिंह औलख। हाँ जी सरपंच साहब। सत श्री अकाल। सब तो पहला तां जिहड़ा राम महमद आजाद क्लब है जिहड़े बच्चों उत्साह कर रहे हैं इन्हां दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सानू इहदे पराले कारण जिहड़े बच्चों उत्साहित करना चाहिए, जे बच्चों उत्साहित करांगे तो बच्चों का होर हौसला वधूगा, हौसला वधन नाल साडे बच्चे तरक्की करनगे तो साडा देश भी तरक्की करेगा। वाहिगुरू जी खालसा। सरपंच साहब ने बड़े शोर च दस्या। हुण आपां इकबाल सिंह मंगेड़ा ने राम मोहम्मद सिंह आजाद वैलफेयर सोसायटी के सरगर्म मैंबर ने। सत श्री अकाल जी। मैं राम मोहम्मद सिंह आजाद वैलफेयर सोसायटी वालों समार सिंह स्कूल समारसा के बच्चों के पहुँचन के इतने इन्हों शुक्रिया करदा इन्हों का, इन्होंने पेरेंट्स इन्होंने अध्यापकों वधाइया दिंदा। वधाइया दिंदा। बहुत धन्यवाद जी। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो अते सबसक्राइब करन वेले बैल आइकन वाला बटन दबाउणा ना भुलो ताकि तुहानूं हर खबर मिल सके सब तों पहलां।